नमस्कार, मैं हूं गणेश आचार्य। आप देख रहे हैं INN24। प्लीज वॉच एंड एंजॉय। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। आपके साथ मैं हूं कृति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। जमनीपाली के निजी क्लिनिक में इलाज के बाद 10 महीने के नवजात की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। डॉक्टर ने आरोपों को किया खारिज। पुलिस से की गई शिकायत। पत्नी के शराब पीने की आदत से गुस्साए पति ने उतारा मौत के घाट। बीते 3 मई को पाली के जंगल में हुई थी संदिग्ध हालत में मौत। मृतिका का कर दिया गया था कफन दफन। चापा में KSK प्लांट के बिकने की खबर से कर्मचारी और श्रमिकों में हड़कंप। विरोध में मजदूरों ने किया काम बंद। खेल मैदान को लेकर कांग्रेस का रायगढ़ में अनोखा प्रदर्शन। कलेक्टोरेट परिसर के सामने फुटबॉल खेलकर जताया विरोध। प्रशासन पर खिलाड़ियों की अनदेखी का भी लगाया आरोप। और जगदलपुर के सनसिटी में नशे की हालत में 3री मंजिल से गिरकर युवक की मौत। प्रत्यक्षदर्शियों ने जताया हत्या की आशंका, तो पुलिस मान रही महज हादसा। शुरू की गई जांच। जमनीपाली स्थित एक निजी क्लिनिक में इलाज के बाद 10 महीने के एक नवजात बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने नवजात को शहर के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया, जहां के डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मृत्यु पर उसके परिवार वालों ने जमनीपाली के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। आंशी के परिजनों ने जमनीपाली के डॉक्टर राजीव गुप्ता पर आंशी के इलाज के दौरान लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की जांच की बात कही है। उनका कहना है कि इंजेक्शन लगाए जाने के बाद से आंशी का पूरा शरीर काला पड़ने लगा था। गलत तरीके से हुए इलाज की वजह से 10 महीने के नवजात आंशी की मौत हुई है। वही डॉक्टर ने परिजनों के इस आरोप को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई है। उन्होंने पहले ही कई बार उस बच्ची का इलाज किया है। कल बच्ची को सर्दी खांसी हुआ था और दस्त हुआ था, हल्की सुस्त हो गई थी बच्ची। हमने डॉक्टर राजीव गुप्ता के पास ले गए थे, उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाया बच्चे को दोनों थाई पे और मेडिसिन दिए हैं। उसके बाद घर आने के बाद बच्ची की तबीयत और बिगड़ने लगा। वहाँ 10 मिनट बैठने के बाद घर भेज दिए, बच्ची की तबीयत और बिगड़ने लगा। शाम को 3 बजे 3:30 बजे हम लेके गए उसके पास, फिर से उन्होंने हरीश नायक के पास रिफ़र कर दिया। हरीश नायक फिर हमको न्यू कोरबा भेज दिए। न्यू कोरबा आया तो बच्ची खत्म हो चुकी है। डॉक्टर का गलत इंजेक्शन की वजह से बच्चे का पूरे बॉडी में कालापन हो गया है। अच्छा, इसमें कोई कार्रवाई चाहते हैं क्या डॉक्टर? हम लोग पूरी कार्रवाई चाहते हैं। आज हमारे साथ किए, कल और किसी बच्चे के साथ करेंगे। ये लोग दिनों दिन किसी न किसी बच्चे को भी जब देखो तब इंजेक्शन लगा के मार दे रहे हैं। पूरा मामला दर्री थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले रंजीत कुमार गुप्ता के छोटे भाई की 10 माह की बेटी आंशी गुप्ता को कल 104 डिग्री का तेज बुखार था। आंशी को लगातार दस्त भी हो रहा था। परिजन बीमार बच्ची को लेकर कल सुबह 11 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर जमनीपाली स्थित श्री श्री योगेश्वर चिकित्सालय पहुंचे थे। दर्री थाना की प्रभारी इस मामले पर आवेदक गुप्ता परिवार को जांच के बाद और PM रिपोर्ट में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। कल रात्रि 11 बजे आवेदक आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी पुत्री 10 माह की सर्दी जुकाम से पीड़ित थी, जिसका इलाज के लिए साडा स्थित योगेश्वर चिकित्सालय के डॉक्टर राजीव गुप्ता को दिखाए, जो इंजेक्शन लगाया और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो उसको कोरबा ले जा कर के कोरबा रेफर किया। कोरबा में दिखाया तो उसको न्यू कोरबा हॉस्पिटल वाले मृत घोषित किए। तो उनका कहना है कि डॉक्टर के लापरवाही से या डॉक्टर के द्वारा चिकित्सा के दौरान ही उसकी मृत्यु हुई है। कल मर्ग दर्ज कर पंचनामा कार्रवाई आज सवेरे कराया गया है। अभी प्रकरण जांच में है। जांच बाद जो भी तथ्य PM रिपोर्ट पर या जांच पर आता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वही डॉक्टर राजीव गुप्ता की INN24 से हुई बातचीत पर परिजनों के इस आरोप को खारिज किया है। उनका कहना है कि उन्होंने पहले भी आंशी का इलाज किया था, लेकिन इस बार बच्ची की हालत काफी बिगड़ गई थी। उन्होंने कहा कि पहली बार वह बच्ची को कल सुबह 11 बजे लेकर आए थे, जिसके बाद दूसरी बार शाम को 4 बजे आंशी को लेकर क्लिनिक पहुँचे। दस्त भी हो रहे करके उन्होंने बताया, तो उनको फिर हमने एक प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक दिया था,
इंजेक्टेबल उसको, तो वो भी लगाया उसे, और उसके बाद उनको एडवाइस किया गया था कि वो यहाँ पे रुके जब तक कि टेम्परेचर कम नहीं हो जाता, और फिर वो हमसे मिल के जाए ऐसा उनको निर्देश दिया गया था। बट जब वो यहाँ से गए तो वो बिना सोचना कि वो चले गए, वो पहले उन्होंने छोटे बच्चे को दिखाया, उसके बाद फिर अपने बड़े बच्चे को भी दिखाया, उनका पर्ची बनवाया। तो वो उस टाइम पीरियड पे जो उसको अपने बड़े बच्चे को दिखाने तक और जो समय लगा उतने देर वो यहाँ पर थे, बट उसके बाद उन्होंने मेडिकल से बाहर से दवाई ववाई लिया और फिर वो बाहर से ही चले गए, उन्होंने फिर दोबारा आके मुलाकात नहीं की हमसे। और उसके बाद फिर शाम को लगभग 4 बजे वो वापस क्लिनिक पे आए, तो क्लिनिक पे लेके जब आए बच्चे को तो काफ़ी उस समय बच्चा डल दिख रहा था, सीरियस दिख रहा था। तो चूंकि हमारे पास कोई इंटेंसिव केयर यहाँ पे नहीं, हम लोग ओपीडी बेसिस पे यहाँ पे करते हैं, तो उनको उसके बच्चे की कंडीशन को देखते हुए जो त्वरित जो जरूरी जो चीज़ थी कि उसको हायर सेंटर पे ले जाया जा सके, तो उनके लिए उनको निर्देश किया गया और फिर वो यहाँ से चले गए। बहरहाल जिला अस्पताल में मृत आंशी के पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है, पीएम के बाद ही मौत की असल वजह सामने आ सकेगी। पीड़ित परिजनों ने इसकी लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई है। सैर सपाटे और मौज मस्ती के लिए लग्जरी कार से कोरकुमा के जंगल में घूमना कुछ युवकों को महंगा पड़ गया। वापस लौटने के दौरान शासकीय कार्य में लगे एक हाइवा ट्रक ने उनके कार को टक्कर मार दी। ठोकर की सूचना पुलिस को जैसे ही मिली वह कार को लेकर सीधे रचकामार चौकी पहुंच गए, जहां इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों से पूछताछ हो रही है। कार में सवार युवक कहाँ के है यह जानकारी नहीं मिल पाई है, पुलिस उनसे इस बारे में पूछताछ कर रही है। जांजगीर चांपा में कलेक्टर नीरज कुमार बंसोड़ ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विकास यात्रा की तैयारी के संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह विकास यात्रा के प्रथम चरण में जांजगीर चांपा जिला आएंगे। विकास यात्रा के दौरान जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आम सभा और स्वागत समारोह का आयोजन होगा। विकास यात्रा के दौरान आम जनों से सीएम मुलाकात करेंगे, पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा एवं लोकार्पण एवं शिलान्यास के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम पवनी में 24 वर्षीय महिला सुशीला साहू ने अपने घर के पंखे में लायलॉन रस्सी को बांधकर फांसी लगा ली थी। वहीं लड़की पक्ष के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर लड़की को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाते हुए बड़ी संख्या में बिलाईगढ़ थाने में प्रदर्शन किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पवनी निवासी डायमंड साहू की शादी बासाडोली की सुशीला साहू से हुई थी। शादी को 1 वर्ष हुए थे, वहीं पुलिस ने पीएम रिपोर्ट नहीं आने की बात कहते हुए जल्द ही कार्रवाई की बात कही है। आज की बेटी है, उसको हत्या कर दिया गया, उसी के सिलसिले हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। मामला कहाँ है, किस प्रकार की मामला है? ये दहेज प्रकरण वाला मामला है। दहेज ना लाने के कारण वो हमारी बेटी को जान से मार करके उसको एठोक आत्महत्या का स्वरूप दे रहे हैं। कौन से गांव की घटना है ये? हमारा बसना ब्लॉक बाराडुल्ली गांव, वहाँ से 10 किलोमीटर लगा हुआ है। कहाँ आई थी शादी होके? ग्राम पौनी आई हुई थी। घटना कहाँ हुए है? घटना पौनी में हुआ है। क्या चाहते हैं यहाँ? हमको न्याय चाहिए। जो इसका 21% है, जो इसमें भागीदारी है, वो अरेस्ट होना चाहिए। आज महीना भर होने आ रहा है और पुलिस हाथ में हाथ धरे बैठी हुई। अभी तक के हमारे नॉलेज में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। ये 12 तारीख की घटना है, लगभग 1 महीना होने आ रही है। अभी आप लोगों ने पुलिस से यहाँ मिले हैं अधिकारियों से, वो एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेडिकल पीएम का रिपोर्ट नहीं आया और इस टाइप एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। सुबह मतलब 6:43 में मेरी बेटी फोन करी थी, मतलब रात में आज बहुत गाड़ी झगड़ा मार के करी हो गई थी, और उसके बाद 9:27 में फिर फोन करी कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तो मना हो गई थी। तो हम मतलब यहाँ आके तैयारी कर धीरे धीरे हैं, और उसके बाद 10:20 में मतलब मेरी बेटी के ससुर फोन करी कि घटना हो गई है, तो मनाओ। तो मैं पूछे क्या घटना, कैसे घटना, तो उसका मैं फोन काट दी, तो मैं उधर से बार बार लगाए लेकिन फोन नहीं उठे। तो अब फिर हमार मतलब अब नहीं उठे, तो हम बहुत ये हुई कि क्या कारण कैसे गए थे। तो फिर हम आए और आके देखे ना वहाँ, तो मेरी बेटी फांसी में लटकी रही। ये 12 तारीख को 12:04 को लड़की जो है फांसी लगाया आत्महत्या की थी, जिसके संबंध में जांच चल रहा था। मेरा बोली उनका मायके है,
ये मई के पक्ष वाले लोग वो दबाव बना रहे हैं कि इसमें अपराध पंजीकृत होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए। तो उसमें अभी क्या पी एफ रिपोर्ट अगर मिला नहीं है और जाँच पर है वैसे अपराध पंजीकृत कर दिया गया है, अभी गिरफ्तारी के लिए और उसका ज्ञान व्यान हुआ नहीं है, इसलिए गिरफ्तारी अभी शेष है। इसीलिए हम लोग आए थे, शिक्षा में चर्चा की है और आगे और चर्चा करेंगे। बोल रहे 3 तोला सोना और 5 लाख रुपये मांग किया गया, लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स प्रूफ तो मिला नहीं है, लेकिन अब जांच पर है। कर्ज में डूबे होने के चलते एशिया के सबसे बड़े पावर प्लांट के एसके महानदी के बिकने की खबर ने यहां के कर्मचारियों और मजदूरों के लिए नया संकट खड़ा कर दिया है। यहां कार्यरत श्रमिक एक ओर जहां स्थानीय नौकरी और नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्लांट के बिकने की खबर ने माहौल और गर्मा दिया है। यही वजह है कि केएसके प्रबंधन के खिलाफ यहाँ कार्यरत श्रमिक एवं विस्थापित एक बार फिर लामबंद हो गए हैं, काम भी बंद कर दिया गया है। आलम यह है कि केएसके पावर प्लांट के आसपास के क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस एवं प्रशासन के अफसर मौके पर मौजूद रहकर स्थिति संभालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्लांट प्रबंधन पर करीब 18,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। चर्चा है कि प्लांट को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए SBI कैपिटल ने नए खरीदार की तलाश शुरू कर दी है। इसके महानदी पावर प्लांट अब लगभग बिकने के कगार में, हमारा लंबे वक्त से मांग था कि हमें स्थायी नौकरी दिया जाए, क्योंकि हमने जमीन केएसके को दी है तो उसी के संबंध में पूर्व में तत्कालीन जिलाधीश महोदय द्वारा एक आदेश दिया गया था कि भू स्थापितों को केएसके में स्थायी नियुक्ति पत्र देना है। उसी के संबंध में केएसके प्रबंधन द्वारा नियुक्ति पत्र तो दिया जा रहा है पर वो आधा अधूरा है। दुनिया का ये इकलौता ऐसा नियुक्ति पत्र है जिसमें नियुक्ति तो केएसके प्रबंधन दे रही है पर वेतन का भुगतान ठेके द्वारा किया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से अवैधानिक है, जिसका हमारे द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। और हमारा टूल डाउन का जो कार्य है वो जारी है, लगातार मजदूरों के सहयोग से और काला पीता लगाकर हमारे द्वारा विरोध प्रदर्शन केएसके प्रबंधन के खिलाफ किया जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। पार्वती गिफ्ट गैलरी, हमारे यहाँ आप पाएंगे टॉयज, क्रॉकरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फोटो फ्रेम, एंटीक स्टैच्यू, गॉड स्टैच्यू, टेडी बियर और सॉफ्ट टॉयज की विशाल रेंज, वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच, टेबल क्लॉक, पेन स्टैंड और स्टेशनरी, रिटर्न गिफ्ट आइटम के अनोखे कलेक्शन और साथ पाएं बच्चों के लिए स्टडी टेबल, वॉकर और राइडर, घर के सजावट का पूरा सामान जैसे आर्टिफिशियल फ्लावर और क्रिस्टल आइटम, साथ ही मंगल पाठ सामग्री, मंगल पाठ चुनरी और सेलो के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज उपलब्ध है। शहर का पहला रिटेल आउटलेट जहां आप पाएंगे सभी सामान होलसेल रेट पर। हमारा पता, पार्वती गिफ्ट गैलरी, दीनदयाल मार्केट के सामने, पावर हाउस रोड, कोरबा, और पार्वती शॉपिंग मॉल, साडा कॉलोनी, होटल ऋतुराज के सामने, जमनी पाली। मोबाइल नंबर 9827933658 और 8602452571। द मोबाइल शॉपिंग, कोरबा शहर में मोबाइलों का विशाल शोरूम। MI, Vivo, Oppo, Samsung, Nokia जैसे ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइलों का विशाल संग्रह एवं मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल स्पेयर पार्ट्स होलसेल रेट में उपलब्ध। आधुनिक मशीनों से 2 दिनों का काम मिनटों में, साथ ही CCTV कैमरा, GPS डिवाइस, वीडियो डोर फोन्स, बजाज फाइनेंस के द्वारा तत्काल फाइनेंस की सुविधा। हमारा पता, एक्सिस बैंक के पास ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा, और सुनालिया चौक, कामयानी कॉम्प्लेक्स, कोरबा। मोबाइल नंबर 9907999079 और 7000171023। फिटनेस जो हर किसी के लिए जरूरी, आत्मरक्षा जो हर महिला के लिए जरूरी, स्पोर्ट्स जो हर बच्चे के लिए जरूरी, अब यहाँ सारी जरूरतें होंगी शहर में ही पूरी। फिटनेस और स्पोर्ट्स से जुड़े हर पहलू पर INN24 की खास पेशकश फिटनेस शो पर, जहाँ आप देख पाएंगे बॉडी फिटनेस के हर टिप्स, बॉडी बिल्डिंग, योगा, एरोबिक, किक बॉक्सिंग, कुंफू, जूडो, ताइक्वांडो, स्विमिंग, मेडिटेशन और सबसे खास महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस के बेजोड़ तरीके, जो रखे आपको हर पल महफूज। देखिए हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ INN24 चैनल पर फिटनेस शो,
Welcome to City Dental Hospital, Korba. We offer a whole range of dental cosmetic and specialty dental services for your family oral health needs. Our enhanced dental team is committed for providing highest quality of oral health care in a friendly environment. Our focus is on our patient and making their experience a pleasant one. Our services includes laser dentistry, implantology, cosmetic dentistry, teeth whitening, gum disease treatment, kids dentistry, teeth straightening, crown, bridges and dentures, wisdom tooth removal, root canal treatment, full mouth rehabilitation and full mouth x-ray. Affiliated to central government and state government employees, smart card facility is also available. Contact us near Kumar Petrol Pump, Main Road, Niharika, Korba. We look forward to seeing your smile because your smile is our passion. 61 सालों के विश्वास का प्रतीक अनुपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स कोरबा शहर का एकमात्र भव्य शोरूम मध्य भारत का नंबर वन ब्रांड गोल्ड एवं मेकिंग चार्ज सबसे कम दर पर उपलब्ध है हॉलमार्क ज्वेलरी की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है डायमंड ज्वेलरी आईजीआई और जीआईए प्रमाणिकता के साथ कम रेट पर उपलब्ध एंटीक ज्वेलरी और कुंदन ज्वेलरी की विशाल श्रृंखला पुराने ज्वेलरी को कैरेटोमीटर से परखने की सुविधा गोल्ड क्लब स्कीम के तहत 51% के मेकिंग चार्ज में छूट का लाभ उठाइए वैलेट पार्किंग की सुविधा अनुपचंद तिलोकचंद ज्वेलर्स पावर हाउस रोड कोरबा हमारा टोल फ्री नंबर है 1800270477 कंफर्ट जोन एक्सक्लूसिव जॉकी शोरूम ए कंप्लीट इनरवेयर एंड आउटवेयर हमारे यहाँ पाएं अंडर गारमेंट्स जॉकी टी शर्ट जॉकी लेडीज अंडरगारमेंट जॉकी सॉक्स जॉकी लेगिंग्स जॉकी लोअर जॉकी शॉर्ट्स और भी बहुत कुछ हमारा पता शॉप नंबर 8 अभिनंदन कॉम्प्लेक्स पावर हाउस रोड कोरबा मोबाइल नंबर 9907957489 मॉडर्न मोबाइल जोन और एम मोबाइल डिस्प्ले एंड टच पॉइंट हमारे दोनों संस्थानों में सभी मोबाइल कंपनियों के टच एवं टच ग्लास डिस्प्ले उपलब्ध हैं साथ ही मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है ग्राहकों के लिए विशेष सेवाएं किसी भी मोबाइल के टच ग्लास टूटे होने पर आधुनिक मशीन के द्वारा मिनटों में बदला जा सकता है कोरबा में पहली बार मशीन के द्वारा मोबाइल ग्लास रिपेयरिंग की सुविधा और सभी मोबाइल के डिस्प्ले टच फोल्डर एवं पार्ट्स के थोक एवं चिल्हर के विक्रेता हमारा पता मॉडर्न मोबाइल जोन बेगराज आटा के सामने पावर हाउस रोड कोरबा और एम मोबाइल डिस्प्ले एंड टच पॉइंट पुराना बस स्टैंड गीतांजलि भवन कोरबा मोबाइल नंबर 9770180888 और 9691678623 और 9575510786 पिछले लंबे समय से रायगढ़ में खेल मैदान की समस्या है और इसे लेकर कई बार निगम प्रशासन को अवगत कराया गया इसके बाद भी प्रशासन के द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया ऐसे में खेल मैदान की समस्या को लेकर कांग्रेस कमेटी द्वारा खिलाड़ियों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया गया खिलाड़ियों द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने फुटबॉल खेल कर प्रशासन के प्रति अपना विरोध भी जताया गया खिलाड़ियों में इस बात का आक्रोश देखा गया है कि कई बार के ज्ञापन और मांग के बाद भी प्रशासन शहर के अंदर एकमात्र खेल मैदान रामलीला मैदान की सुध नहीं ले रही है खेल मैदान की दुर्दशा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है खिलाड़ियों का कहना है कि खेल मैदान का उपयोग खेल के लिए कम व्यावसायिक उपयोग ज़्यादा हो रहा है
आए दिन रामलीला मैदान का उपयोग किसी न किसी व्यवसायिक उपयोग के लिए किया जाता है। इसके लिए मैदान में बार बार गड्ढा खोद दिया जाता है, जिसकी वजह से मैदान खेल के लायक नहीं रह जाता है। प्रदर्शनकारियों ने खेल मैदान को व्यवस्थित करने की मांग की है। मैदान में पूरे गाड़ी चलते रहते हैं और उधर एक्सीडेंट भी हो गया है बहुत बार, यहाँ चोटें भी लगी है, देख लीजिए। चोट भी लगी है? हाँ। तो अब यहाँ पर खेल रहे हो, क्या करना चाहते हो आप लोग? विरोध करना चाहते हैं। विरोध कर रहे हैं। अगर नहीं आप लोगों की मांग पूरी हुई तो आगे क्या सड़कों पे खेलोगे आप लोग? सड़कों पर खेलेंगे या चक्का जाम। रजकामार चौकी इलाके में कुछ दिनों से लोगों के लिए एक सफेद कार आश्चर्य की वजह बनी हुई थी। आश्चर्य इसलिए कि जंगल में यह कार लावारिस हालत में खड़ी थी, जबकि इसके आसपास ना ही कोई शख्स था ना ही कार में कोई ऐसी चीज थी जिससे इस कार के मालिक की पहचान हो सके। मामले की संदिग्धता को देखते हुए डुमड्डी के लोगों ने इसकी सूचना रजकामार चौकी प्रभारी को दी। उन्होंने बताया कि सूचना पर जब वह मौके पर पहुंचे तो उन्हें कार नजर आई। इस पर उन्होंने वैधानिक कार्रवाई के बाद कार को चौकी परिसर में खड़ा कर दिया है। आम जनता और क्या बोलते हैं, मोबाइल से सूचना आया था कि डुमरडीह के पास एक गाड़ी जो है खड़ी है रोड किनारे, एक दो दिन हो रहा है, उसको देख लीजिए। तो मैं तो है ये 26 तारीख की बात है, मैं छुट्टी गया था 26 तारीख को, आया तो खबर मिला था। मैं दोपहर को गाड़ी को देखने तस्दीक करने गया, वहाँ लावारी सालस में था, कोई गाड़ी जो है लॉक था और उसका है यून गाड़ी, गाड़ी का नंबर था CG10NC0361 और उस गाड़ी को जो है मैं टोचन करके 26 तारीख शाम को ले खड़े किया हूँ। और लावारी सालस में इस्तगासा क्रमांक 2/2018 धारा 102 में जब्ती करके खड़े कर दिया हूँ। उसकी सूचना जो है अधिकार क्षेत्र है मजिस्ट्रेट SDM के यहाँ सूचना दे दिया। पुलिस ने कार मालिक के संबंध में बताया कि पता करने पर उन्हें जो जानकारी हाथ लगी है उसके मुताबिक यह कार सेंद्रीपाली के किसी परिवार की है। उन्हें कार के बारे में सूचना दे दी गई है। मालिक का हल्का सा पता चला है, वो सेंद्रीपाली तरफ का है घर में, लेकिन घर में किसी का तबीयत खराब है इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ, ऐसी मुझे जानकारी। गौर करने वाली बात है कि अगर यह कार किसी सेंद्रीपाली के शख्स की है तो यह रजकामार के डुमड्डी कैसे पहुंची? इसी तरह के कई और दूसरे सवाल हैं जिन पर से पर्दा उठना भी बाकी है। जाहिर है कार मालिक के आने के बाद ही कार से जुड़े इस रहस्य से पर्दा उठ सकेगा। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, आप बने रहिए INN24 पर। पार्वती गिफ्ट गैलरी, हमारे यहाँ आप पाएंगे टॉयस, क्रॉकरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फोटो फ्रेम, एंटीक स्टैच्यू, गॉड स्टैच्यू, टेडी बियर और सॉफ्ट टॉयस की विशाल रेंज, वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉच, टेबल क्लॉक, पेन स्टैंड और स्टेशनरी, रिटर्न गिफ्ट आइटम के अनोखे कलेक्शन और साथ पाएं बच्चों के लिए स्टडी टेबल, वॉकर और राइडर, घर के सजावट का पूरा सामान जैसे आर्टिफिशियल फ्लावर और क्रिस्टल आइटम, साथ ही मंगल पाठ सामग्री, मंगल पाठ चुनरी और सेलो के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज उपलब्ध है। शहर का पहला रिटेल आउटलेट जहां आप पाएंगे सभी सामान होलसेल रेट पर। हमारा पता पार्वती गिफ्ट गैलरी, दीनदयाल मार्केट के सामने पावर हाउस रोड कोरबा, और पार्वती शॉपिंग मॉल साडा कॉलोनी होटल ऋतुराज के सामने जमनी पाली। मोबाइल नंबर 9827933658 और 8602452571। हरदी ढाबा, मैरिज हॉल एवं फैमिली रेस्टोरेंट, दक्ष कुक्स द्वारा तैयार किया गया लजीज भोजन का आनंद ले। क्षेत्र का पहला गार्डन रेस्टोरेंट, साथ में है एसी हॉल, एसी रूम की सुविधा, मैरिज रिसेप्शन, जन्मदिन की पार्टी के लिए लॉन और पार्टी हॉल की व्यवस्था, साथ में कॉर्पोरेट मीटिंग हेतु सुसज्जित कॉन्फ्रेंस हॉल, जिले का पहला एकमात्र 3000 वर्ग फुट का रूफ टॉप रेस्टोरेंट। अन्य सुविधाओं में आप पाएंगे केटर्स और वेटर्स की पूरी टीम, फैंसी और बेस लाइटिंग, DJ साउंड, क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा के साथ ऑन डिमांड आर्टिस्ट, स्वयं का जनरेटर एवं सोलर पावर बैकअप। हमारा पता सराय सिंगार, बलौदा रोड, हरदी बाजार, कोरबा। मोबाइल नंबर 8889341444 और 9981559341। We shall overcome someday. But how?
Tomorrow, you come along with me. I will show you. This is my Indus Public School. This is our library, our knowledge bank. Let's go to my favorite computer lab. Here we learn to use the latest technology. Let's go to our music room, where we learn the basic vocal and instrumental music. Now, we will go to everyone's favorite smart class. Here learning becomes quicker, easier and enjoyable experience. This is our science lab. Here we explore the basic facts of science ourselves. This is our meditation room. Here through meditation, we learn to coordinate our body and mind effectively. This is the favorite space of everyone, is play zone. Let's go to our playground, where we develop qualities of leadership, mutual understanding, tolerance and discipline while playing individually or in a team. Wow! I'm sure that the students of IPS will definitely be successful in their lives. I will also join IPS. Then we both will sing together. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Indus Public School is flourishing by leaps and bounds under the experienced and able guidance of Principal Mr. Sanjay Gupta, a well-known name in the education field in the area. Indus Public School, Deepka. प्रदेश में पहला आधुनिकतम मार्शल आर्ट उपकरणों से सुसज्जित मार्शल आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके शहर में, जहां प्रशिक्षित ट्रेनरों द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है। किकबॉक्सिंग, कराटे प्रशिक्षण, एरोबिक्स, एरो किकबॉक्सिंग, फिटनेस, पर्सनल ट्रेनिंग एवं सबसे महत्वपूर्ण आत्मरक्षा। बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष बैच, महिला प्रशिक्षिका द्वारा ट्रेनिंग, समय सुबह 5 से 10 बजे और शाम 4 से 8 बजे तक। प्रत्येक बैच हेतु एक घंटे का समय दिया जाएगा। हमारा पता, छत्तीसगढ़ मार्शल आर्ट एवं किक बॉक्सिंग अकेडमी, स्वर्णिम भवन, ग्वालियर फर्नीचर के नीचे, तिलक मार्ग, बुधवारी बाईपास रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827474174 और 9977404840 और 8964809009। कोरबा शहर में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित सृष्टि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम में एमडी मेडिसिन में डॉक्टर मनीष पाठक, ऑर्थोपेडिक्स में डॉक्टर सतदलनाथ, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन में डॉक्टर बिजलाल कवाची, डेंटल केयर में डॉक्टर रेणुका अग्रवाल, एनेस्थीसिया में डॉक्टर संध्या कश्यप। यहाँ मृदुभाषी एवं सेवाभावी चिकित्सक मरीजों को अपनेपन का एहसास कराते हैं। इमरजेंसी केयर और एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। नई तकनीक से लैस न्यू मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, जहाँ इमेज इंटेंसिफायर, वर्क स्टेशन, ऑटोक्लेव, वेंटिलेटर्स एवं अत्याधुनिक मशीन से सुसज्जित आईसीयू एवं स्टेप डाउन आईसीयू, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, प्रसूति नॉर्मल सिजेरियन, इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा। शासकीय योजनाओं के साथ साथ मध्य भारत के सबसे कम ओपीडी चार्जेस, भारी भरकम बिलों से निजात पाएं, पैसे के कारण आपका इलाज नहीं रुकेगा। हमारा पता, सृष्टि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रजगमार रोड, जिला जेल के पास, रिस्ती, कोरबा। मोबाइल नंबर 9993793324 और 9179492626।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीते दिनों पाली थाना के कोडार में एक अधेड़ महिला नानबाई के संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के बाद उसके पति के द्वारा बिना किसी को सूचित किए महिला की लाश का अंतिम संस्कार कर दिए जाने के मामले को पाली पुलिस ने सुलझाने में कामयाबी पाई है। पाली थाना के प्रभारी की INN24 से हुई बातचीत में बताया कि नानबाई की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उसके ही पति ननकू राम ने उसके सिर पर पत्थर से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के बाद अपने किए पर पर्दा डालने के लिए मृतका नानबाई के शव को पास के गांव में दफना दिया था। पुलिस ने सूचना के बाद शव को कब्र से निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि महिला के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। पुलिस ने हत्या की पुष्टि होते ही ननकू को हिरासत में ले लिया, जहां उसके खिलाफ हत्या और साक्ष्य छुपाने के मामले में अपराध दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। हत्या की वजह नानबाई के शराबी होने को बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उसे समाज और गांव के लोगों के बीच शर्मसार होना पड़ता था। इस पूरे मामले के जानकार कोडार के सरपंच ने हमसे बात की। श्रावण सिंह और उसके साथी आए थे। लगभग 3 तारीख को 2 बजे अपने गांव अपने घर में आए। उसके बाद ये लोग बताए कि मेरी माँ नान भाई का मृत्यु जंगल में घर जाते समय शाम 7 बजे हो गया है घर के। तो मैंने इनको बोला कि आप लोग इसका तुरंत FIR दर्ज कराइए। तो ये लोग घर जा रहे हैं, घर के घर चले गए और उसके बाद दोबारा ये अपने पास नहीं आए, ना कोटवार के पास भी नहीं आए। तो इसमें संदेह लगा। कुछ आदमी हैं ग्राम कोटवार के, उनके द्वारा बताया गया कि ननकू द्वारा अपनी पत्नी को झगड़ा कर रही थी और झगड़ा करते मारूंगा पीटूंगा करके ले जा रही थी। तब हमने सोचा और आकर के भाई यहाँ दर्ज करा दिया। प्रेमिका शादी करने नहीं दे रही थी, वह घर पर आकर बैठ गई। इससे नाराज प्रेमी ने बेरहमी से गला घोटकर उसे मार डाला। हत्या के बाद उसने इस घटना को आत्महत्या साबित करने के लिए झूठी कहानी गढ़ी और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस की चली गहन जांच पड़ताल के बाद अंततः सच्चाई सामने आ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा मामला कटघोरा थाने के तुमान गांव का है, जहां पुलिस को बीते 7 मई को एक युवती की लाश उसके प्रेमी के घर पर बरामद हुई थी। पुलिस ने इस मामले को संदिग्ध मानते हुए उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया था और कड़ी पूछताछ की जा रही थी। तुमान में जो भूमिका कुमार की लाश मिली थी, उसमें मर्ग पंचनामा कार्रवाई में शॉर्ट पीएम रिपोर्ट लिया गया है कार्रवाई के बाद में, जिसमें डॉक्टर साहब ने होमिसाइडल इन नेचर का उल्लेख किया है, जिसकी वजह से उसमें अपराध क्रमांक 142 धारा 302-201 पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। थाना इंचार्ज के मुताबिक मृतका का नाम भूमिका कंवर था, जबकि उसकी हत्या के आरोपी का नाम देवेंद्र केवट है। उन्होंने बताया कि देवेंद्र की शादी कहीं और तय हो गई थी, जिसको लेकर अपनी प्रेमिका भूमिका के साथ उसका विवाद हुआ था। इसी बात से नाराज देवेंद्र ने उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी। एक्चुअली वो आरोपी देवेंद्र केवट का शादी होने वाला था और उस लड़की जो मृतिका थी उसके साथ में उसका प्रेम प्रसंग काफ़ी दिनों से चल रहा था और उसी कहीं और शादी कर रहा वो उसी बात से लेकर के उन दोनों विवाद हुआ। उसके बाद उसने लड़की का चुन्नी के साथ गला घोंट दिया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी प्रेमी को हिरासत में ले लिया है, लेकिन इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वह यही है कि क्या एक प्रेम प्रसंग का अंजाम यही होना चाहिए? हरदम साथ जीने मरने की कसम खाने वाले दो जोड़ों के इस प्रेम कहानी का अंत इतना दर्दनाक होना चाहिए था? प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या कोई नई बात नहीं, ना ही नए वो सवाल हैं जो इन वारदातों के बाद अक्सर खड़े होते हैं। सरक बुंदिया मड़वा रानी रेलवे स्टेशन के बीच छत्तीसगढ़ राइस मिल के सामने अज्ञात युवक का शव रेल से बरामद किया गया। युवक कौन है इसका अभी शिनाख्त नहीं हो पाया है, साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह आत्महत्या है या हत्या। लाश के पर्स में एक महिला का फोटो मिला है। युवक के पास से किसी भी प्रकार का कोई परिचय पत्र नहीं मिला है जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस ने शव को में ले लिया है।
जगदलपुर में नशे की हालत में तीसरी मंजिल से गिरे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक करीब 12 बजे अपने घर पहुंचा, जो नशे में धुत था, अपने आप को संभाल नहीं पाया और सीधे तीसरी मंजिल से नीचे जा गिरा। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि युवक की हत्या हुई है। इस युवक का विवाद कई लोगों से चल रहा था। कुछ दिन पहले इसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, मगर जगदलपुर कोतवाली टीआई कादिर खान का कहना है कि प्रथम दृष्टि से यह गिरने से मौत होना पाया जा रहा है। युवक जगदलपुर सनसिटी का रहने वाला था और उसका नाम मार्टिन है। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। आज सुबह हाउसिंग बोर्ड सनसिटी हाउसिंग बोर्ड से सूचना मिली कि एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी है यहाँ क्वार्टर के पीछे। तो मैं अपनी पूरी टीम के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को खबर देके पहुंचा और उसमें डॉग स्क्वाड और वैज्ञानिक की टीम सभी आई सभी द्वारा चेक किया गया। बॉडी के सिर में लगा है, खून निकला हुआ है, खून निकला हुआ है। बॉडी की प्रारंभिक कार्रवाई से मोबाइल से कॉल डिटेल वगैरह निकाल के और सब आसपास पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जा रही है और पीए बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया है। जो भी परिस्थिति जैसी आएगी सामने, जो पाया जाएगा जांच में, सब कार्रवाई की जाएगी। कांकेर के पंखाजूर में नक्सलियों ने बड़ी मात्रा में नारे लिखे हुए बैनर पोस्टर लगाए हैं। यह बैनर पोस्टर PV-62 और मछपल्ली के बीच बाजार में लगाए गए हैं। वहीं संगम से PV-62 तक जगह जगह बैनर और पर्चे फेंके गए हैं। इस पूरी घटना से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। नक्सलियों ने पर्चे पर गढ़चिरौली जिले में मुठभेड़ को नरसंहार बताते हुए खंडन करने और भाजपा सरकार को खबरदार करने जैसी बातों का उल्लेख किया है। नगर पालिक निगम कोरबा की महापौर रेणु अग्रवाल ने जिला कलेक्टर और जिला खनिज न्यास के अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल कैसर हक से मुलाकात की। इस दौरान महापौर ने खनिज न्यास के मद से नगर पालिक निगम के विभिन्न क्षेत्र में विकास कार्य कराने प्रस्ताव भी कोरबा कलेक्टर को सौंपा। महापौर रेणु अग्रवाल ने बताया कि प्रस्ताव में शामिल सभी कार्य क्षेत्र के नागरिकों के सुविधाओं के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने विकास कार्यों को खनिज न्यास मद से जल्द पूरा कराने की बात कही। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.inn24news.in। नमस्कार। Hey guys, this is Kainat Arora and you're watching INN24.